फ्रेंड्स, डॉक्टर मनीष, सीएमडी डॉक्टर सत्संगी क्लिनिक। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि एसिडिटी या एसिड डिस्पेप्सिया या इसके लक्षण क्या होते हैं। एसिडिटी, बर्पिंग, मुंह में पानी आना, जिसको हम वाटर ब्राश कहते हैं, और इन्हीं कंडीशन से अगर हम एडवांस की तरफ जाते हैं, जो कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजी सिम्टम्स या साइंस या गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की बीमारियां मानी जाती हैं, उनमें हाइयर एसिडिटी होती है, जिसमें काफी ज्यादा बर्निंग और सेंटर ऑफ स्टमक में पेन होता है, पेशेंट को खाना नहीं खा पाते हैं, खाना खाने के बाद पेट भरता है उनका और लगता है जैसे उनका पेट ब्लोट कर रहा है, फूला पड़ा हुआ है, गड़न वाला दर्द होता है और धीरे धीरे करके उनके खाने की कैपेसिटी कम हो जाती है। और इस बीमारी को जब भी आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो एंडोस्कोपी करता है, जो कि अपने में इन्वेसिव प्रोसीजर है, मतलब वो भी बीमारी की खुद की भी जड़ होती है, वो खुद भी बीमारी प्रोड्यूस करता है और उसको हम डायग्नोसिस के लिए भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे जब आपकी बीमारियां बढ़ती हैं तो बीमारियों को के साधन जो उनको ठीक करते हैं वो कभी कभी मुश्किलें देते हैं। तो इसलिए मैं इन सभी कंडीशंस में सेकेंड जनरेशन होम्योपैथिक थेरापेटिक्स को एडवाइस करता हूं, क्योंकि वो इन बीमारियों का जड़ में ही मूल नाश कर देती है और आपको मेजर इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए फ्रेंड्स, आज की डेट में हर व्यक्ति को मेडिकल साइंस, बीमारियों के बारे में बेसिक जानकारी रखना चाहिए, क्योंकि इसके अभाव में वो अपनी बीमारियों के लिए डॉक्टरों के पास जाते तो हैं, लेकिन फिर वापस लौटने में उनको बहुत मुश्किलें होती हैं। सो फ्रेंड्स, आप इसको नोट करिएगा इस ट्यूटोरियल में, जो आपको आपको एजुकेशन भी देगा और आपके मुश्किलों को भी हल करेगा। या बुजुर्ग व्यक्ति या नॉर्मली आफ्टर 40 इयर्स ऑफ एज इट इज वेरी कॉमन कि पेशेंट को एसिडिटी हो रही है और एसिडिटी के साथ साथ वो खाने को तकलीफ शुरू हुई, उसकी भूख कम होने लगी है और पेट में दर्द के कारण वो परेशान रहता है। आप डॉक्टर के पास आते हैं, वो एंडोस्कोपी मतलब एक छोटा सा फाइबर ऑप्टिक स्कोप अंदर डालता है, चेक करता है कि पेट में सूजन है, कटा हुआ है या कोई अल्सर बना हुआ है, और इसके बाद अचानक पता चलता है आपको कि पेट में बहुत ज्यादा बैक्टीरिया की ग्रोथ है, जिसको हम एच पेलोरी फैक्टर कहते हैं, और फिर आप एंटासिड पे और या H1 ब्लॉकर पे और एंटीबायोटिक्स पे चलते हैं। आपको कभी कभी तत्काल थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है, बट अल्टीमेटली एक दो साल होते होते और बार बार इन एंटीबायोटिक्स और एंटासिड्स के एडिक्शंस के बाद आपकी तकलीफें जस की तस या और वर्स होती है, क्योंकि ड्रग्स आपकी हेल्प तो करती हैं, लेकिन क्योंकि वो ठीक नहीं कर सकती हैं, वो मैनेज कर सकती हैं, तो उनके साइड इफेक्ट से आपकी लाइफ में जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो पैरामीटर्स है मेडिकल, वो नीचे जाते हैं। मान लीजिए आपकी आप हल्के से एनेमिक होना शुरू होते हैं, क्योंकि बहुत सारे H1 ब्लॉकर्स आपके बोन मैरोस को भी सप्रेस करती हुई पाई गई हैं, या आपको और भी एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, या आपके लिवर और किडनी में भी इसका असर होता है। तो इन बीमारियों में आप कंटिन्यूसली मैनेजमेंट की तरफ नहीं जा सकते हैं। शुरुआत में मैनेजमेंट सही है ड्रग्स के साथ, लेकिन लॉन्ग टर्म रिलीफ के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप एजुकेटेड हो। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि बड़ी से बड़ी समस्या का सिर्फ इलाज मेडिकल साइंस के अस्पताल नहीं है, उनका इलाज आपके एजुकेशन से होता है। सही वक्त पे अगर आपने डॉक्टर को अपनी कंडीशन दिखाई, और लकीली सही डॉक्टर को आपको खोजना भी इंपॉर्टेंट, इसके लिए भी मैंने एक आपको पहले ट्यूटोरियल दिया है, फाइंड अ राइट डॉक्टर, हाउ यू कम टू नो दैट योर डॉक्टर इज राइट, इसके ऊपर ट्यूटोरियल दिया आपके जानकारी के लिए। तो आपने अगर अपनी बीमारी का शुरुआत में ही संज्ञान लिया और आप एक नेचुरल ट्रीटमेंट की तरफ गए, होम्योपैथी, स्पेशली सेकेंड जनरेशन होम्योपैथी, जिसमें कि डायग्नोसिस साइंटिफिक की जाती है, आपके सिम्टम्स के ऊपर की जाती है, लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट होम्योपैथी को नेचुरल ड्रग्स का दिया जाता है, जो बीमारी को ठीक तो करता ही है, साथ में बेस से ठीक करता है। इसके साथ मैनेजमेंट जो होता है वो माइंड बॉडी हीलिंग का, जो कि आपको लंबे दिनों तक रिहैबिलिटेशन देता है, जिसको हम कहते हैं एंड सस्टेन बेनिफिट, जिसके लिए डॉक्टर सत्संगी जानी जाती है। किसी भी एसिडिटी की जो कंडीशन होती है, उसकी शुरुआत होती है जायका खराब होने से। पेशेंट्स काफी ज्यादा खाते आए हैं या वो काफी एपिकोरियन है, दे ईट अ लॉट, उनको ऐसी प्रॉब्लम होती है। ऐसे व्यक्ति जो बाहर की तली भुनी चीजें काफी खाते हैं, ऐसे व्यक्ति जो शराब और चिकनाई लेते हैं, ऐसे व्यक्ति जो सुबह शाम तंबाकू का, चाहे वो च्यूइंग टोबैको हो या स्मोकिंग हो, उनका इस्तेमाल करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो मेजर ड्रग्स पे हो, बहुत सारी स्टेराइड और मेजर ड्रग्स हम अपनी बीमारियों के लिए एलोपैथिक लेते हैं, वो भी एसिडिटी की तरफ आपको ले जाती है। और एक पर्टिकुलर बीमारियां बहुत सारी होती हैं, जिसमें फैटी लिवर डिजीज, जो कि अपने में ड्रग इंड्यूस भी है, कभी कभी नेचुरल भी होती है, उनमें पाया जाता है। कोलेस्टेटिस, अगर गॉल बैडर में स्टोन है तो भी आप में पेट में ब्लोटिंग और एसिडिटी वाली स्थिति आपकी पाई जाती है। कभी कभी बहुत सारे हर्नियास होते हैं, जिसमें
पेट का एंट्रल वेरियस का हर्निया भी आपको प्रीडिस्पोज करता है रिफ्लक्स इसोफेगाइटिस से। सो फ्रेंड्स, ये सब कंडीशन आपकी शुरुआत में जायका खराब करती है, एसिडिटी प्रोड्यूस करती है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ती है तो आपको पेट में ब्लॉटिंग और पेट भारी दिखता है। इसके बाद तीसरी स्टेज में गैस्ट्राइटिस, मतलब जो पेट की झिल्ली उसकी सूजन पैदा करती है। और इस पे भी अगर आपने ड्रग्स खाते रहे, आपने ध्यान नहीं दिया, अपने आचार व्यवहार में बदलाव नहीं किया, नेचुरल मेडिसिन से आपने अपने को अंदर तक ठीक करने की कोशिश नहीं की, तो ये अल्सर में कन्वर्ट हो जाती है। और एक बार ये अल्सर में कन्वर्ट हो गई तो मैंने बोला कि एसिडिटी से शुरुआत हुई थी, आचार व्यवहार से शुरुआत हुई थी, ड्रग्स, यूजलेस ड्रग्स के इंटेक के कारण भी शुरुआत हुई थी, पेन किलर्स लोग खाते या किसी आपकी आदतों के कारण शुरुआत हुई थी, एसिडिटी बनी, ब्लोटिंग हुई, बाद में गैस्ट्राइटिस पेन हुआ, आपने एंडोस्कोपी कराई, ड्रग्स से एक दो साल कंट्रोल किया, फिर उसके बाद ये अल्सर में कन्वर्ट हो गया, डॉक्टर कहता है कि सर्जरी कर लो, तो सर्जरी में आपके पैसे तो खर्च होते हैं लेकिन आपका मूल जीवन भी नीचे की तरफ जाता है। क्योंकि अगर हम बाईपास सर्जरी करते हैं, आपकी आंख को छोटा कर देते हैं या उस एरिया को काट के निकालते हैं, तो ये बहुत एंड स्टेज में करते हैं, जब बिल्कुल मरने की स्थिति में आ गया तो आप मेरे पास नहीं आ सकते, आपको सर्जन के पास आना पड़ता है, लेकिन फिर आपको शॉर्टकट सिंड्रोम, आपकी जो लाइफ है जिंदगी भर के लिए कंप्रोमाइज हो जाती है, ड्रग्स पे रहती है और ये जीना बहुत मुश्किल होता है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको यहां से बताऊंगा कि आप अपने बीमारी के लिए सजग रहें, शुरुआत से आप सेकेंड जनरेशन होम्योपैथी थेरापेटिक्स की तरफ आए, डॉक्टर ससंगी इसमें मैं हर समय पेशेंट्स को हेल्प करता हूं, आपके लिए भी तैयार हूं, और कुछ ड्रग्स आप नोट कर सकते हैं। स्पेशली मैंने बताया कि ये सभी बीमारियां गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी एरेना की हैं, इनकी शुरुआत छोटे से सिम्टम्स आचार व्यवहार से होती है, अगर हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं, ड्रग्स कंटेक कंटिन्यू करते हैं तो ये धीरे धीरे करके अलग अलग स्टेज में आगे जाती हैं और अल्टीमेटली आपकी लाइफ खत्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, कुछ ड्रग्स हैं जो आपको नोट करना होगा। डॉक्टर ससंगीज में हम एसिड डिस्पेप्सिया के लिए स्पेसिफिकली नक्स वोमिका, कार्बोवेज, नेट्रमफॉस 6x, मैकफॉस 6x, कालीम्यू 6x, ऐसे बहुत सारे बायोकेमिकल ड्रग्स को यूज करते हैं। लैकोपोडियम इन अ लोअर पोटेंसी, समटाइम्स आर्सेनिक डिपेंडिंग अपॉन योर ओन सेंसिटिविटीज, कभी कभी हम सिनर्जिस्टिक कॉम्बिनेशंस ऑफ दीज ड्रग्स का यूज करते हैं, कभी कभी स्टेप लैडर सेकेंड जनरेशन थेरापेटिक्स का यूज करते हैं जो कि बर्नेट फिलॉसफी पे आधारित है, कभी कभी हम क्लासिकल होम्योपैथी के लिए आपके कॉन्स्टिट्यूशनल माइंड बॉडी हीलिंग के केस टेकिंग और माइंड बॉडी हीलिंग से संबंधित आपको काउंसलिंग करते हैं जिसको हम सेकेंड जनरेशन काउंसलिंग कहते हैं। इन सब के इस्तेमाल के साथ हम आपकी बीमारी को कंट्रोल तो करते हैं, ठीक करते हैं, और अगर आप अच्छे ढंग से बने रहे कुछ समय थे, मे बी फ्यू मंथ्स टू अ ईयर, आपकी बीमारी काफी हद तक ठीक हो जाती है और आप इस बीमारी से निकल चुके होते हैं। दैट इज व्हाट इज द सोल एम ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन, कि वो आपको बीमारियों से निकाले, जड़ से उनका नाश करे और आपको उसमें सहयोग देने के लिए इन्वॉल्व करें, और एक बार होने पे आप ठीक हो जाए, आप इसको बिल्कुल हल्के से डालें, इसका ट्रीटमेंट कराएं। और फ्रेंड्स, मेरे ओपिनियन को आखिर तक सुनने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपके अंदर बैठे ईश्वर को भी नमन करता हूं। ऑल द बेस्ट।